अच्छा जी, 18 मार्च 2020 और इस वक्त तकरीबन 5:20 हो रहे हैं और मैं इस वक्त एवेन्यूज मॉल में हूँ। बेसिकली मैं लूलू से आया हूँ और ये हिस्ट्री में पहली बार मैंने ऐसे देखा है कि फुल बंद है सब कुछ, सिर्फ ऑप्टिशंस जो हैं वो अवेलेबल हैं, बाकी हर चीज़ जो है वो क्लोज है, तमाम मतलब सब कुछ बंद है। ग्रॉसरी स्टोर्स ओपन है और जो चश्मों की दुकानें हैं बेसिकली वो ओपन है, बाकी एवरीथिंग इज़ क्लोज। अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली। अच्छा जी, मैंने ऑब्ज़र्व किया ये लॉकडाउन होने के बाद वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। बेसिकली क्या होता है, दूसरे तमाम तकरीबन ममालिक में जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है और स्पेसिफिकली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है कि लॉकडाउन हो या कोई और प्रॉब्लम हो। कौन है भाई? यार एक तो ये जो ऑटोमेटिक गाड़ी है ना, ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये जब तक ये पाँप पाँप ख़त्म नहीं होगी इसकी, तब तक ये बोलती रहेगी। हाँ जी, तो बात चल रही थी कि पूरी दुनिया में जब इस तरह कोई डिज़ास्टर कोई आता है, कोई पैनाडेमिक जिस तरह या एपिडेमिक कोई वबा या वबाई अमराज फैलते हैं, सो पूरी दुनिया में लोग रिलीफ देते हैं। जितने बड़े स्टोर्स हैं, जितनी बड़ी शॉप्स हैं, जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी लोग हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देते हैं और उनके दिल में ख्यालात और फीलिंग्स होती हैं कि यार अब ये मुसीबत हो गई है यहाँ पे, सो अब हमें एक दूसरे का साथ दे के, एक दूसरे को हिम्मत, ढारस, फाइनेंशियली, फिजिकली जो भी कदर कर सकते हैं मदद करते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पे इस वक्त ओमान में हो रहा है कि चीज़ें जो हैं वो ऑफ में लग गई हैं, सस्ती हो गई हैं। अब मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान में और इंडिया में वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ पर ये हो रहा है कि जो सैनिटाइजर्स हैं वो गुम कर दिए गए हैं, जो फेस मास्क हैं वो गुम कर दिए गए हैं। 150 रुपये वाला डब्बा 1700 रुपये का बेचा जा रहा है। इसी तरह जो सैनिटाइजर्स हैं वो मैंने कुछ पोस्टें देखी हैं, मतलब जो 1000 रुपये का सैनिटाइजर था इम्पोर्टेड अच्छा वाला, वो सैनिटाइजर अब 2600-2800 रुपये का बेचा जा रहा है। सो कैसे लोग हैं यार। और मैंने एक पोस्ट पढ़ी और मुझे लगा कि वो वाकई ही थोड़ा बहुत उसके अंदर सच्चाई होगी। वो ये थी कि अगर खुदा ना खास्ता पता चल जाए ना कल कयामत का दिन है, तो आज लोग मसल्ले भी महंगे कर देंगे। तो मेरे ताजर भाइयों, खुदा का वास्ता, ये कोरोना का मर्द आया, पता नहीं कौन मरेगा, कौन बचेगा, क्या इसका बनेगा, कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि अभी तक लोग लगे हैं वैक्सीनेशन में। हम तो अल्लाह ताला से आसानियाँ ही मांगते हैं, अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए, बेहतरीन करे जो भी वो मामला हमारा। लेकिन आप खुदा रा होश के नाते लोग यार, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं, दिन में कमाते हैं वही बेचारे खा लेते हैं शाम को, आपको क्या मिलेगा? मतलब इन लोगों को लूट के, आटा गुम करके, चीनी गुम करके, महंगी बेच के, कहाँ कितना, मतलब इतने आदम का जो पेट है ना, वो कब्र की मिट्टी के अलावा कोई चीज़ नहीं बढ़ सकती। बस इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखो, जब भी आपके दिल में ये ख्याल आए ना कि मैं मजबूरी का फ़ायदा उठा लूँ और मैं पैसे और बना लूँ, तो वो आपका जो पैसा इस तरह का बनाया हुआ होगा ना, वो कोई और ही खाएंगे, आपको वो बरतना नसीब नहीं होगा। तो खुदा का वास्ता इन ममालिक से थोड़ी सी आप जो है अपना होश के नाखून लें। देखें कैसे चीज़ें सस्ती हुई, आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे चल रही हैं, आपकी स्क्रीन 50% ऑफ, बाय वन गेट वन, इस तरह से कुछ खुदारा इस तरह कुछ मामला करें ताकि लोगों को कुछ रिलीफ मिले। जज़ाकुमुल्लाह खैर।